के होना चाहिए लोकसभा, कहां के होना चाहिए लोकसभा। क्या मेरी बात समझ में आई? अब अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है, 50 सदस्यों ने अपनी सहमति दे दी, उसके खिलाफ जब एक दिन तय होता है, लोकसभा अध्यक्ष जो है दिन तय करता है, विपक्ष अपनी बात रखता है और सत्ता पक्ष अपनी बात रखता है, और फिर इस प्रस्ताव पर या बिल पर वोटिंग होती है। क्या होती है? कौन वोट डालेगा? अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान? लोकसभा के सदस्य। कौन वोट डालेगा? लोकसभा के। जब विपक्ष अपनी बात रख दे, जब सत्ता पक्ष अपनी बात रख दे, तो फिर क्या होती है? वोटिंग। कौन वोट डालेगा? लोकसभा। अगर लोकसभा में उस समय 543 सदस्य हैं, तो अगर सरकार को सरकार के पक्ष में 272 वोट पड़ते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, क्योंकि सरकार ने क्या बहुमत खोया? नहीं खोया। लेकिन अगर 272 से कम वोट पड़ते हैं, मान लो 271 ही वोट पड़े, कितने वोट पड़े? 271, तो सरकार गिर जाएगी। क्या गिर जाएगी? सरकार। अगर उस दिन वोटिंग के दौरान 543 में से 272 हासिल कर लिए, तो कौन गिर जाएगा? प्रस्ताव, क्योंकि क्या हासिल हो गया है? बहुमत। लेकिन अगर एक भी कम हुआ 543 में, अगर 543 उपस्थित है और एक भी कम हुआ, तो क्या गिर जाएगी? सरकार। और कहा जाएगा अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, पारित हो गया। क्या पारित हो गया? आज। और यहां अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। अगर मेजोरिटी हासिल कर लेगी तो कौन गिर जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव। और नहीं करेगी तो सरकार। क्लियर बात? अब मेरी बात सुनना। अब तक अगर मैं अविश्वास प्रस्ताव को देखूं, कौन से प्रस्ताव को? अविश्वास। तो लोकसभा में अब तक अविश्वास प्रस्ताव कहां पर? लोकसभा में। कितनी बार लाया जा चुका है? तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव अब तक 27 बार आ चुका है। कितनी बार आ चुका है? 27 बार। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में कितनी बार आ चुका है? 27 बार। कितनी बार? 27। 27 बार में से 15 बार अकेले किसके समय लाया गया? इंदिरा गांधी। किसके समय? इंदिरा गांधी। भारत की तीसरी प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में कितनी बार आया? 27 बार। 27 बार में से 15 बार किसके समय? इंदिरा गांधी, भारत की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। तो सबसे ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया गया? इंदिरा गांधी। अब अगर बात करें कि पहला अविश्वास प्रस्ताव नेहरू जी के समय लाया गया था। किनके समय? नेहरू जी। और ये प्रस्ताव जे बी कृपलानी, किसके निर्देशन में लाया गया था? जे बी कृपलानी। चलो, तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में कुल कितनी बार लाया जा चुका है? 27 बार। सबसे ज्यादा बार इंदिरा गांधी। कितनी बार? 15 बार। पहला किसके विरुद्ध? नेहरू जी। और पहला किसके नेतृत्व में लाया गया? जे बी कृपलानी। किसके नेतृत्व में? जे बी कृपलानी। क्लियर बात? लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति चाहिए? 50। कितने सदस्यों की? 50। कहां कहां लाया जा सकता है? लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा में ला रहे हो मतलब कौन सी सरकार के विरुद्ध? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री। अगर विधानसभा में ला रहे हो तो राज्य सरकार। राज्य सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री। बात क्लियर? जो भी सरकारें चलती है वो मेजोरिटी से चलती है। किसे चलती है? मेजोरिटी से। क्लियर? लिखिएगा अविश्वास प्रस्ताव
नो कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और लिखना होना आवश्यक है 50 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। अब मेरी बात गौर से सुन, हमने संविधान में 6-6 माह का फॉर्मूला कहां पढ़ा? राष्ट्रपति के अध्यादेश की अवधि 6 माह, राज्यपाल के अध्यादेश की अवधि 6 माह, राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि 6 माह, राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह, और बाद में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है 6 माह पढ़ा। अब ये 14 दिन हमने पढ़ा है, वित्त मनी बिल को राज्यसभा कितने दिन से ज्यादा नहीं रोक सकती 14 दिन, राष्ट्रपति को महाभियोग की सूचना कितने दिन पहले देना पड़ती है 14 दिन पढ़ा है ना। अब ये 50 का आया कि भैया 50 सदस्यों की क्या चाहिए? सहमति। तो 50 का आंकड़ा भी दो जगह आता है, मैंने आपको राष्ट्रपति चुनाव पढ़ाया था, राष्ट्रपति चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक चाहिए 50 और कितने अनुमोदक चाहिए 50 किसके चुनाव में? राष्ट्रपति। तो 50 का आंकड़ा कितनी जगह आ रहा है? 3 जगह। पहला, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्य है? 50। राष्ट्रपति के कितने प्रस्तावक? 50। राष्ट्रपति के कितने अनुमोदक? 50। क्लियर। उपराष्ट्रपति के कितने? 20। उपराष्ट्रपति के प्रस्तावक 20, उपराष्ट्रपति के अनुमोदक 20। तो हमने कहा कि भैया अविश्वास प्रस्ताव में 50 सदस्यों की क्या चाहिए? सहमति। क्लियर है बात? आगे लिखना, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष तथा सत्ता पक्ष अपनी बात रखता है, विपक्ष तथा सत्ता पक्ष अपनी बात रखता है बाद में वोटिंग होती है अगर वर्तमान सरकार बहुमत हासिल कर लेती है तो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है, कौन सा प्रस्ताव गिर जाता है? अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है। लेकिन अगर बहुमत हासिल नहीं कर पाती, तो ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, अब मैं दो नाम लिख रहा हूं, चौधरी चरण सिंह, ये नाम आपने सुना होगा, चौधरी चरण सिंह, और दूसरा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा मुझे बताओ, 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, वो कितना दिसंबर? 23 दिसंबर, और इनकी जयंती को किस रूप में मनाते हैं? किसान दिवस। कौन सा दिवस? किसान दिवस। और किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर।
कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती कब है? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर। और इनकी जयंती पे कौन सा दिवस? सुशासन दिवस। कौन सा दिवस? सुशासन दिवस। 25 दिसंबर को कौन सा दिवस? सुशासन दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहां हुआ? ग्वालियर। कहां पे हुआ? ग्वालियर। 3 बार प्रधानमंत्री कौन बने? अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे कम कार्यकाल? अटल बिहारी वाजपेयी। इनको कौन सा नागरिक सम्मान मिला है? भारत रत्न। परमाणु परीक्षण किसके समय हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि चौधरी चरण सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव जब इनके विरुद्ध लाया गया तो उसके पारित होने या खारिज होने के पहले ही इन्होंने क्या दे दिया? त्याग पत्र। क्या दे दिया? त्याग पत्र। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के पहले ही इन्होंने क्या दे दिया? त्याग पत्र। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के पहले भारत के किन प्रधानमंत्रियों ने त्याग पत्र दे दिया? दो। कौन कौन? चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। इनके बारे में एक बात प्रसिद्ध है, लोकसभा का सामना ना करने वाले प्रधानमंत्री कौन रहे? चौधरी चरण सिंह। क्लियर है बात? लिखना, चौधरी चरण सिंह एवं अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह एवं अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी दो ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं, दो ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने विश्वास मत हासिल करने से पहले ही, विश्वास मत हासिल करने से पहले ही, विश्वास मत हासिल करने से पहले ही त्याग पत्र दे दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह। मंडल कमीशन की सिफारिशें किसने लागू की थी? विश्वनाथ प्रताप सिंह। मंडल कमीशन कौन से रिजर्वेशन से संबंधित है? ओबीसी रिजर्वेशन। कौन सा रिजर्वेशन? ओबीसी रिजर्वेशन, है ना। अब मैंने लिखा विश्वनाथ प्रताप सिंह और फिर मैंने लिखा एच डी देवगौड़ा। कर्नाटक से आते हैं। कहां से आते हैं? कर्नाटक से। अब ये भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो अविश्वास, जो इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वो पारित हो गया। ये विश्वास मत हासिल करने में क्या रहे? असफल। तो विश्वास मत हासिल करने में असफल रहने वाले प्रधानमंत्री कितने? दो। और विश्वास मत हासिल करने के पहले त्याग पत्र देने वाले? दो। तो विश्वास मत हासिल करने के पहले त्याग पत्र? दो। विश्वास मत हासिल करने में नाकाम रहने वाले? दो। तो कौन नाकाम रहे? विश्वनाथ प्रताप सिंह और असफल। मतलब इनके समय लोकसभा में कौन सा प्रस्ताव पारित हो गया? अविश्वास प्रस्ताव। और अटल जी के समय जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने पहले ही क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। इन्होंने कौन सी सिफारिशें लागू की? मंडल कमीशन। मंडल कमीशन की सिफारिशें किसके समय लागू हुई? विश्वनाथ प्रताप सिंह। मंडल कमीशन कौन सा रिजर्वेशन? ओबीसी रिजर्वेशन। सर इसको मंडल कमीशन क्यों कहा जाता? क्योंकि एक आयोग का गठन हुआ था ओबीसी रिजर्वेशन के लिए और इनका नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। क्या नाम था? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। क्लियर? आगे बात समझो। तो इन्होंने इनकी सिफारिशें क्या की थी? लागू की थी। लिखो, भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री रहे, भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो विश्वास मत, जो विश्वास मत हासिल करने में, विश्वास मत हासिल करने में असमर्थ रहे, विश्वास मत हासिल करने में असमर्थ रहे, असमर्थ रहे। इनमें विश्वनाथ प्रताप सिंह, इसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह
तथा एचडी देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा का नाम शामिल है, एचडी देवगौड़ा का नाम शामिल है। और हमने कहा एचडी देवगौड़ा का संबंध कहां से, कर्नाटक। और अभी कुछ समय पहले कर्नाटक विधानसभा के चुनाव हुए, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, कर्नाटक में विधानसभा की सीटें 224 और लिंगायत समुदाय कहां का है, कर्नाटक। शैव संप्रदाय के अंतर्गत कितने हैं, 4, और उनमें से एक कौन है, लिंगायत। लिंगायत हमें सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेंगे, कर्नाटक। कहां देखने को मिलेंगे, कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, सिलिकॉन वैली बेंगलोर, इसरो का मुख्यालय बेंगलोर, इसरो का मुख्यालय बेंगलोर, इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ, इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ, इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ। क्लियर। विश्व का पहला देश जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचा, भारत। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई। कौन से कार्यक्रम के जनक, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। क्लियर है, बढ़े आगे। अब हमने एक और चीज देखी थी, क्या कोई व्यक्ति बिना चुनाव लड़े प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है या नहीं बन सकता, बन सकता है, लेकिन कितने समय के लिए, 6 माह, और 6 माह में उसको उस सदन की क्या लेनी पड़ेगी, सदस्यता। तो हमने 3-4 चीजें देखी। पहली, अविश्वास प्रस्ताव कहां कहां लाया जा सकता है, लोकसभा, लोकसभा, अगर लोकसभा में ला रहे हो तो किसके विरुद्ध, केंद्र सरकार, और विधानसभा में राज्य सरकार। कितने सदस्यों की सहमति चाहिए, 50, कितने सदस्य, 50। केंद्र सरकार के विरुद्ध अब तक कितनी बार आया है, 27 बार, अकेले 15 बार, इंदिरा गांधी, पहली बार किसके समय, नेहरू जी, पहली बार नेहरू जी, पहली बार नेहरू जी। पहला अविश्वास प्रस्ताव किसके नेतृत्व में लाया गया, जेबी कृपलानी। किसके नेतृत्व में, जेबी कृपलानी। किसके नेतृत्व में, जेबी रिम। भारत के ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विश्वास मत हासिल करने से पहले त्याग पत्र दिया, 2, कौन कौन से, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। चौधरी चरण सिंह की जयंती 23 दिसंबर, कौन सा दिवस, किसान दिवस, कौन सा दिवस, किसान दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती 25 दिसंबर, कौन सा दिवस, सुशासन दिवस। भारत के ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो विश्वास मत हासिल करने में असमर्थ रहे, 2, कौन से, विश्वनाथ प्रताप सिंह और एचडी देवगौड़ा। एचडी देवगौड़ा का संबंध कर्नाटक से। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कौन सी सिफारिशें लागू की, मंडल कमीशन। मंडल कमीशन कौन से रिजर्वेशन से, ओबीसी रिजर्वेशन। कौन सा रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन। लोकसभा का सामना ना करने वाले प्रधानमंत्री, चौधरी चरण सिंह। लोकसभा का सामना ना करने वाले प्रधानमंत्री, चौधरी चरण सिंह। बड़े आगे, आज मैंने कहा था आर्टिकल याद करके आए होंगे आप, ठीक है, टल्ला मार लो एक दूसरे को। चलिए, नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 में किसका उल्लेख है, नागरिकता। हमारी नागरिकता कैसी है, एकल। कैसी है, एकल। हम भारत के नागरिक है या मध्य प्रदेश के, भारत के, क्योंकि हमारी नागरिकता कैसी है, एकल। अगर हम दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करते हैं तो हमारी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। नागरिकता के संबंध में कानून कौन बना सकता है, संसद। कौन बना सकता है, संसद। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। भाग 3 में कहां से कहां तक के अनुच्छेद है, 12 से 35, 12 से 35। कौन से अनुच्छेद में लिखा है कि विधि के समक्ष हम सभी समान है, अनुच्छेद 14, किसमें लिखा है, 14। लोक नियोजन में समानता के अवसर मिलेंगे, 16। अस्पृश्यता की समाप्ति, 17। उपाधियों का अंत, वाक स्वतंत्रता, 19। वाक स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, 29। समान न्याय, निःशुल्क विधिक संहिता, विधिक सहायता, 39। ए, ग्राम पंचायत का गठन, 40। समान सिविल संहिता, 44। समान सिविल संहिता, 44। मूल कर्तव्य कहां से लिए, रूस से। पहले कितने थे, 10, अब कितने, 11। मौलिक अधिकार पहले कितने, 7, अब कितने, 6। मौलिक अधिकार कहां से लिए, अमेरिका। मौलिक अधिकार अमेरिका। कर्तव्य रूस, कर्तव्य रूस।
हम संविधान का सम्मान करेंगे। अधिकार है या कर्तव्य? कर्तव्य क्या है? कर्तव्य। भारत में मुझे कहीं भी घूमने की आजादी है? अधिकार। मुझे अपना धर्म अपने त्योहार बनाने की स्वतंत्रता है? अधिकार। राष्ट्रध्वज का सम्मान करना कर्तव्य। राष्ट्रध्वज का सम्मान करना स्वधर्म। राष्ट्रीय धरोहरों की सुरक्षा करना कर्तव्य। राष्ट्रीय धरोहरों की सुरक्षा करना कर्तव्य। कहीं भी ये नहीं बनाना। बना हुआ देखते हैं आप लोग, है ना, क्या होता है इससे फालतू। जो लोग ये बनाते जाके उनकी बाईपास सर्जरी होती फिर बाद में। चलिए, अगर कहा जाए राष्ट्रपति कौन से भाग में? 5। भारत का राष्ट्रपति होगा कौन से अनुच्छेद में लिखा है? 52। किस में लिखा है? 52। भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? जितनी बार चुना जा रहा है। कौन से अनुच्छेद में लिखा है? 57। 57 क्या बोलता है? राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता। महाभियोग 61। महाभियोग। भारत में कितने राष्ट्रपतियों के विरुद्ध महाभियोग लाया गया? एक भी नहीं। भारत के 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने से पहले क्या कभी राज्यपाल रही है? रही है। कहां की? झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड की राजधानी रांची। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म राज्य उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। और कौन सी शेड्यूल कास्ट टाइप से आती है? संथाल। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पहली महिला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किसमें लिखा है? 63। किसमें लिखा है? 63। किसमें लिखा है? 63। राज्यसभा का सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति। कौन होगा? उपराष्ट्रपति। भारत में समाधान का अधिकार किसे? राष्ट्रपति। समाधान का अधिकार राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की सलाह व सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी? 74। मंत्रियों के लिए उपबन 75। भारत का महान्यायवादी 76। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति भारत सरकार का विधिक सलाहकार महान्यायवादी। भारत सरकार का विधिक सलाहकार वर्तमान महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी। अगर कहा जाए राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य 78। संसद 79। राज्यसभा लोकसभा 81। लोकसभा संसद का सचिवालय 98। संसद का सचिवालय संसद में कोरम या गण पूर्ति 100। संयुक्त अधिवेशन 108। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता अब तक ज्वाइंट सेशन कितनी बार बुलाया गया? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। धन विधेयक सबसे पहले कहां लाया जाएगा? लोकसभा। कोई बिल मनी बिल है या नहीं इसका फैसला कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। मनी बिल किसकी अनुमति से प्रस्तुत होगा? राष्ट्रपति की। सबसे पहले कहां प्रस्तुत होगा? लोकसभा। राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन। कौन से बिल में राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती? मनी बिल। किसमें? मनी बिल। बजट का संविधान में नाम क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण कौन सा अनुच्छेद? 112। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123। राष्ट्रपति का अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट की बैठकें दिल्ली के अलावा कहां हुई? हैदराबाद और श्रीनगर। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया वर्तमान डीवाई चंद्रचूड़। और डीवाई चंद्रचूड़ के पिताजी भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। हाँ, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65। सेवानिवृत्ति 65। भारत का अंतिम अपीलीय अधिकार कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। भारत में न्याय व्यवस्था कितने स्तरीय है? 3 स्तरीय। सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। भारत सरकार और राज्य सरकार के लेखों की जांच कौन करता है? केक। लोक वित्त का संरक्षक केक। लोक वित्त का संरक्षक केक। केक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 148। केक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। केक की नियुक्ति राष्ट्रपति। भाग 6 का नाम क्या है? राज्य। भाग 6 का नाम क्या है राज्य। राज्यपाल कितने राज्यों का बन सकता है? 2 या 2 से अधिक। कितने? नहीं पता।
संविधान में ऐसा नहीं लिखा है। अगर कहा जाए अगर कोई व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल बनता है तो उसकी सैलरी डिसाइड कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। राज्य के मुख्य न्यायाधीश को वेतन कहां से मिलेगा? राज्य की संचित निधि। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन कहां से मिलेगा? भारत की संचित निधि। किसकी संचित निधि से? भारत की संचित निधि। क्लियर है? कल हमारा इतिहास का टर्न रहेगा, है ना, तो कल हम इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन समय समय पे कीजिएगा, रिवीजन मस्ट है। जितना रिवीजन करोगे चीजें आपको क्या रहेंगी? याद रहेगा। ये मैं ग्रुप में डाल देता हूँ आपको।